झारखंड में बेहतर पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेशानुसार पूरे राज्य के साथ साथ धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जिले में 5 जगहों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सिंदरी अनुमंडल के अंतर्गत टाटा ऑडिटोरियम जोड़ा पोखर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शुभारम्भ राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलित कर की गई। कैंप में भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कैंप में जमीन आपसी विवाद घरेलू मामलों को लेकर भी लोग पहुंचे। अलगड़ीहा ओपी क्षेत्र से एक वृद्ध महिला न्याय की आस लेकर जन शिकायत समाधान पहुंची। महिला ने बताया कि जालसाजी कर दलाल ने 16 लाख रुपए निकाल लिए। 2 लाख रुपए का वाउचर भरे थे और बैंक से 16 लाख रुपए दिखा रहा है निकाला गया। सेंद्री डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत ने मीडिया को बताया कि सभी शिकायत ली जा रही है। आज इस कैंप में कई मामलों का तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले से संबंधित सभी विभाग के अधिकारी यहां मौजूद हैं और थाना 6 थाना और 5 ओपी के प्रभारी इस कैंप में मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा मामलों को तत्काल निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है। झरिया सीओ ने मीडिया को बताया कि धनबाद पुलिस की अनोखी पहल है। झरिया अंचल के अंतर्गत सभी मामलों का त्वरित निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है। अगर किन्हीं के मामले दो पक्ष में है और दोनों पक्ष यहां मौजूद हैं, उन्हें आपसी सहमति के अनुसार से सुलह कराने का काफी प्रयास की जा रही है। जमीन से संबंधित मामले को लेकर खुद में निष्पादन करने की प्रक्रिया में हूँ और वैसे मामले जो कोर्ट से संबंधित है उन्हें विशेष सलाह देकर जल्द से जल्द आपसी समझौता कर सुलह करने की आग्रह की जा रही है। झारखंड पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पूरे झारखंड अंचल सिंदरी अनुमंडल के आपके उपस्थिति चल रहा है, कितनी समस्याएं यहाँ अभी तक पहुँचे हुए हैं और समस्या का समाधान किस तरह से? आज झारखंड सरकार के पहल पे और डीजीपी सर के निर्देश पे जल शिकायत समाधान कार्यक्रम पूरे झारखंड राज्य में हो रहा है। उसी के तहत आज जोड़ा पोखर थाना अंतर्गत जो है सिंदरी अनुमंडल के सभी थानाओं के प्रभारी के साथ हम लोग सीओ साहब के साथ जल शिकायत समाधान कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों से शिकायत जिस तरह का भी शिकायत हो वो शिकायत हम लोग ले रहे हैं और लिखित शिकायत देंगे, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोग देंगे और उसके बाद वो अपनी शिकायत का प्रोग्रेस उस नंबर के आधार पर जान सकते हैं कि और किसी भी वरीय पदाधिकारी के पास बता सकते हैं कि मेरी शिकायत पर सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये अभी शुरुआत हुआ है, अभी बहुत लोग सभागार में थे जो बता रहे आप देख ही रहे थे, बहुत लोग शिकायत दर्ज कराने आए हैं और बारी बारी से सभी लोगों की शिकायत अभी हम लोग सभी थाना प्रभारी के साथ सीओ साहब के साथ और नगर निगम के हैं, माडा के हैं, बिजली विभाग से हैं, बीसीसीएल के हैं और टाटा से है, तो सभी की शिकायत बारी बारी से हम लोग सुनेंगे। पहले लिखित शिकायत वो दर्ज करा के आएंगे, एक्नॉलेजमेंट के आधार पे सभी की शिकायत सुनी जाएगी और सभी की शिकायत का एक समयावधि के भीतर शीघ्र ही निष्पादन कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये सर सिर्फ आज भर के लिए है या कि बराबर ये चलता है? नहीं, ये लगातार अभी चलेगा। जैसे कि शिकायत हम लोग दर्ज कर लोग करवा रहे हैं, शिकायत का निराकरण हेतु हम लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं। समस्या का समाधान होगा? अभी तक के सिविल प्रशासन के द्वारा तो हमेशा किया जाता रहा है सभी जगहों पर सभी सरकारों द्वारा, लेकिन झारखंड पुलिस की ये अनोखी पहल है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सिविल वर्क सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा मतलब उनकी शिकायतों को सुना जाएगा और रिसीविंग दिया जाएगा, जिससे है कि वो रजिस्टर्ड हो जाएगा शिकायत और किसी टेबल पर यानी किसी पदाधिकारी के पास अपने समय के साथ दिखा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मेरा समाधान नहीं हुआ है। ये अनोखी पहल है।